आज अपने मेन फार्म पे काफी सारा काम होने वाला है और मैंने अपनी जितनी भी गाड़ियां थी जो जगह जगह खेतों में खड़ी हुई थी वो इकट्ठी करके अपने फार्म पे ले आया हूँ। और ज्यादातर गाड़ियां फार्म पे आ चुकी हैं और यहाँ पे सारी पार्किंग फुल हो चुकी हैं और कुछ गाड़ियां मैंने बाहर वाली पार्किंग में भी पार्क कर रखी हैं और गाड़ियां काफी सारी हैं। अभी अपनी खेत वाली पार्किंग में भी काफी सारी गाड़ियां खड़ी हुई हैं और जो गाड़ियां इधर उधर खेतों में थी वो सब मैंने इकट्ठी करके पार्किंग में पार्क कर दिया। मतलब अब कोई भी गाड़ी जो है इधर उधर नहीं खड़ी हुई है, शायद एक दो खड़ी हो देखनी पड़ेंगी। वैसे तो नहीं है, जितनी मुझे मिली थी मैंने सारी की सारी जो है पार्किंग में लगा दी। और आज मुझे खेत परचेस करने हैं यहाँ पे, जैसा मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि मैं यहाँ पे जो है सारे खेत परचेस करने वाला हूँ क्योंकि बैलेंस काफ़ी अच्छा खासा है। और उनमें से जो है एक दो खेतों में मैंने सोचा है कि मैं वहाँ पे काऊ बान लगाने वाला हूँ बड़े बड़े, जहाँ पे जो है काफ़ी सारी काउस एक साथ ही आ सके। तो एक दो खेत मैंने चूज़ किए हैं पहले काऊ बान के लिए, उन्हें मैं परचेस कर लेता हूँ और यहाँ से पहले उसी खेत की तरफ चलता हूँ। और वैसे तो यहाँ का जो है सारा का सारा एरिया जो है अब अपना ही होने वाला है क्योंकि सब कुछ मैं परचेज़ करने वाला हूँ। और जहाँ तक है कि इतने बैलेंस में आ जाएगा और अगर कम पड़ेगा तो मैं जो है आगे फिर से परचेज़ कर लूँगा क्योंकि हर महीने यहाँ पे 6-7 मिलियन यूरो का फ़ायदा तो हो ही जाता है। और अभी मैं यहाँ से एक गाड़ी चूज़ कर लेता हूँ, ये इनमें से तो नहीं, कोई ढंग की गाड़ी ले लेता हूँ आज। यहाँ की तो सारी गाड़ी मैंने यूज़ कर रखी है, इधर से मैं जो है नहीं ये भी नहीं, यही काम करता हूँ ऐसे ही चलता हूँ। अभी एक दो गाड़ियाँ रहती हैं जो मुझे परचेज़ करनी है, वो अभी शोरूम पे जाके परचेज़ कर लूँगा। और शोरूम के साथ वाला खेत ही है जो मैं परचेज़ करने की सोच रहा हूँ। यहाँ पे भी कुछ गाड़ियाँ पार्क कर रखी हैं और एक ये जीप बाहर रह गई, जीप ऐसी खड़ी हुई है, इसे वो पार्क कर दूँ मैं यहाँ पर। यहाँ पर है जगह, इस वाली जीप के साथ आ जाएगी या फिर इधर कर देता हूँ। बस यहाँ पर ठीक है। और यहाँ पे जो है मैंने तीन काऊ बान लगाए हुए हैं, इन्हें ही मैं सोच रहा हूँ कि इन्हें मैं यहाँ से मूव कर दूंगा क्योंकि सामने वाला खेत काफ़ी ज़्यादा बड़ा है और उसमें मैं सारे काऊ बान लगाने वाला हूँ लाइन से एक साथ। और वो देखना पड़ेगा अभी कौन से काऊ बान लगाने हैं, तो वो पूरा जो है एरिया काउस के लिए हो जाएगा। और यहाँ पर मैं पिक्स का या फिर शीप्स का किसी और का देख सकता हूँ या फिर यहाँ पर कुछ और लगा दूँगा। और अभी जो है मैं खेत दिखा देता हूँ, ये सामने वाला खेत ही है, ये जो राइट साइड वाला खेत है इसी में मैं काऊ बान लगाने की सोच रहा हूँ। और यहाँ से मुझे गाड़ी भी परचेज़ करनी है तो पहले मैं गाड़ी ले लेता हूँ। मैं ले जा रहा हूँ ये वाली गाड़ी, इसका नाम है पगानी हुआरा और ये बहुत ज़्यादा महंगी है, 3.4 मिलियन डॉलर की है। उसकी पावर भी काफ़ी ज़्यादा है, 930 हॉर्स पावर की है और इसका कलर भी वैसे ही काफ़ी अच्छा लग रहा है। इसमें अगर मैं ये वाला करके देखूँ, नई ग्रीन लाइम भी अच्छा लग रहा, तो इसमें ब्लैक ही अच्छा लग रहा है, बाकी कलर तो इतने अच्छे नहीं लग रहे। रिम का कलर मैं चेंज कर सकता हूँ, रिम मैं इसके अगर वाइट में कर दूँ, वाइट में ठीक लग रहे हैं रिम इसके। और बाकी इसमें जो है ऑप्शन है काफ़ी सारी, ये ऊपर से कवर भी हो जाती है, कवर नहीं रखना ओपन रखना, ओपन ठीक है। और व्हील सेटअप चेंज हो सकता है, व्हील सेटअप में ये तो इतने सही नहीं लग रहे, जो उसके स्टॉक वाले हैं वही ठीक लग रहे हैं। और इंटीरियर कलर भी ठीक है, रिम कलर भी ठीक है। और इसमें ट्रेलर हिच लगवा लेता हूँ, कभी तो काम आ ही जाती है कुछ ना कुछ खींचने के लिए, और GPS वगैरह की ज़रूरत नहीं है। तो इसके टोटल हुए हैं 3.4 मिलियन, इसको बाय कर लेता हूँ। तो ये आ चुकी गाड़ी और एक ही गाड़ी परचेज़ करूँगा आज क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा महंगी है, 2.4 मिलियन पहले ही खर्च कर दिए हैं। और अभी जो है खेत परचेज़ करने हैं, सारे खेत परचेज़ कर लूँगा उसके बाद देखते हैं फिर। तो अभी पहले खेत परचेज़ कर लूँ, कहीं ऐसा ना हो खेतों को परचेज़ करने के लिए बैलेंस कम पड़ता है। और ये गाड़ी देखने में तो सही लग रही है और है भी काफ़ी पावरफुल, एक बार इसको स्टार्ट करके भी देख लेते हैं। आवाज़ भी इसकी काफ़ी सही है, 360 की टॉप स्पीड है इसकी और इसके इंटर भी काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, कार्बन फाइबर है अंदर। और इसे एक बार चला के भी देखता हूँ, वैसे तो उसका पिकअप काफ़ी सही है। सही है, इसकी हैंडलिंग भी अच्छी है। और यही वाला खेत मुझे परचेज़ करना है तो इसी खेत के यहीं पे पार्क कर देता हूँ। ये खेत में जाने के लिए रास्ता अच्छा बीच से है रास्ता, ये दो खेत हैं, वो वाला खेत तो पहले से मेरे पास है और इधर वाले खेत को देख लेता हूँ। तो ये दोनों खेत तो पहले से मेरे पास है, मैंने पहले परचेज़ कर लिए होंगे, ये वाला का मुझे याद है तो मैंने परचेज़ किया था। 18 नंबर 22 में कोई याद नहीं मैंने कब परचेज़ किया था क्योंकि इसमें कभी कुछ खेती बाड़ी तो करी है नहीं, तो 22 भी अपने पास ही है। ये 49 वाली जगह कौन सी है ये देख लेता हूँ, ये रास्ता ऊपर जा रहा है, ये शायद ऊपर माउंटेन वाली जगह है। एक मिनट गाड़ी लेके चलता हूँ और देखता हूँ ऊपर ये जगह कैसी है। इसका रास्ता यहाँ से शो कर रहा है ऊपर जाने के लिए,
तो ये वाली जगह है, ये तो अपने किसी काम की नहीं है, ये तो ऐसी माउंटेन है, इसके ऊपर क्या लगा सकता हूँ मैं यहाँ पे? वैसे ऊपर काओबान वगैरह तो लग सकता है, कोई तो छोटा काओबान वगैरह लगाना हो तो वो लग सकता है, ले लेता हूँ इसको भी। ये भी फोर सेल ही है तो इसको भी परचेज़ कर ही लेता हूँ। ये 49 नंबर और इसकी कॉस्ट है 3,76,000, तो काफ़ी सस्ती है। इसको बाय कर लेता हूँ और इसके साथ वाला 27 है, इसको ही बाय कर लेता हूँ। तो इधर के तो सारे बाय हो गए। और ये 50 नंबर जो है ये सारी सामने की जगह है, इसे ही परचेज़ करता हूँ। ये 9,21,000 की है, तो इधर का तो सारा हो गया। और एक बार इसे देख भी लेता हूँ, ये वाली जगह है 50 नंबर। तो ये पूरी की पूरी माउंटेन परचेज़ कर लिया है, ये माउंटेन का सारा एरिया जो है हम मेरा हो गया, ये है सारा का सारा एरिया। तो यहाँ ठीक है, यहाँ माउंटेन के ऊपर लगा हुआ कुछ यहाँ पे ना, शीप्स का पिक्स का या देखूँगा किसी का लग जाएगा ऊपर। यहाँ पे काफ़ी जगह है, मुझे माउंटेन से सही रहेगा ऊपर। यहाँ माउंटेन पे ऊपर मैं अपना घर भी बना सकता हूँ, यहाँ से ठीक रहेगा, माउंटेन के ऊपर बढ़िया बन जाएगा। और ये रास्ता शायद प्राइवेट है, ये रास्ता भी जो है इसके अंदर ही आ रहा है। हाँ सही है, ये प्राइवेट रास्ता है, ये पूरा जो है मेरे यहाँ पर ही जा रहा है। एक मिनट गाड़ी लेके आता हूँ नीचे से। तो ये तो सही जगह मिल गई, पूरी पूरी माउंटेन मिल गई मुझे। मैं खेतों में लगाने की सोच रहा था, अब माउंटेन के ऊपर लगाऊंगा काउबन वगैरह। और ये क्या है, ये भी अपनी प्रॉपर्टी पे ही है, ये कोई पुरानी बिल्डिंग है। गेट वगैरह तो नहीं खुल रहा इसका भी, इसको भी देखता हूँ पहले एक बार, माउंटेन के ऊपर चलूँ। ये लेफ्ट में जितनी भी प्रॉपर्टी है सारी सारी अपनी ही है। यहाँ से एक प्राइवेट रास्ता गया है, ये रहा। ये रास्ता यहाँ पे आके एंड हो जाता है और ये यहाँ पे स्पिनरी है। ओके, तो यहाँ पे स्पिनरी में जो है फैब्रिक वगैरह बनता है कॉटन वगैरह से। तो ये ऊपर तो बड़े वाली स्पिनरी लगी हुई है, यहाँ तो मैं पहले कभी आया ही नहीं। अब यहाँ पे जगह देख के मुझे जो है अपने लिए जो जो लगाना है वो मैं लगा सकता हूँ। ये बिल्कुल माउंटेन का टॉप है और यहाँ से अपना सामने वाला फार्म भी दिख रहा है, पूरा सामने अपना फार्म, वो काओबान है और उधर की साइड अपना जो है मेन फार्म है। ये नीचे यहाँ पे ओलिव के ट्रीज वगैरह लगे हुए हैं, मैं देखूँ ये ओलिव के ही हैं वैसे। ये ओलिव का गार्डन है छोटा सा। ये रास्ता है तो अब यहाँ पे देखना पड़ेगा, मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ से इस रोड से रास्ता लेके जाऊँ और यहाँ पे जो है ऊपर काओबान वगैरह लगा दूँ। उसके लिए थोड़ा सा मुझे काम करना पड़ेगा, अभी एक काओबान कहीं पर प्लेस करके देख लेता हूँ। अभी काओबान तो लग नहीं पा रहा क्योंकि जो है मैंने काफ़ी सारी काउस रखी हुई हैं, बट मैं एक काम करता हूँ यहाँ पर अपने लिए ना एक फार्म हाउस लगा के देख लेता हूँ। तो ये साइड में मैंने जो है थोड़ी सी जगह फ्लैट कर ली है और अब यहाँ पे लगा देता हूँ। यहाँ पे कोई बड़े वाला फार्म हाउस लगाता हूँ, ये तो छोटे हैं। ये वाला ठीक लग रहा है मेरे को, इसको लगाता हूँ यहाँ पे, ये लग गया। और अब इसके लिए रास्ता बनाना है, एक बार इसे पास से चल के देख लेता हूँ। ये सामने की तरफ लगाया मैंने ऊपर, ये इस रास्ते से इधर नीचे की तरफ है। और इसके लिए अब रास्ता बनाना पड़ेगा ताकि अपनी गाड़ियाँ वगैरह नीचे जा सकें। अभी तो यहाँ से उतर जाता हूँ। ये वाला घर है अपना नए वाला, और इसका ये वाला गेट खोल के अंदर चल के व्यू देखता हूँ। ये खुल गया, यहाँ से सही व्यू दिख रहा है, काफ़ी सही हाइट पे हो गया। और अभी जब यहाँ पे रास्ता वगैरह बन जाएगा प्रॉपर तो सही है, यहाँ से अपने खेत वगैरह भी सही दिखेंगे। और नीचे वाले खेत में यहाँ पे जो है मैं काओबान वगैरह लगा लूँगा। अभी तो यहाँ से जंप करके इधर को चलता हूँ और अभी देखना है यहाँ से रास्ता कहाँ से बन सकेगा। ये रोड नीचे से जा रहा है तो नीचे से यहाँ से रास्ता ले कर आना है मुझे गाड़ियों के लिए ऊपर। इधर से ट्राई करता हूँ, तो अभी यहाँ से थोड़ा सा रास्ता बनाया है, अभी गाड़ी एक बार ऊपर ले आता हूँ
और उसके बाद जो है यहाँ पे प्रॉपर रास्ता बनाऊंगा, यहाँ से प्रॉपर एकदम माउंटेन वाला जो है अपना फार्म बनने वाला है। अभी गाड़ी तो ऊपर है, उस वाली गाड़ी को तो वहीं छोड़ देता हूँ क्योंकि वो वाली गाड़ी तो यहाँ से जा नहीं पाएगी। यहाँ के लिए मुझे एक SUV चाहिए होगी, और एक SUV है जो मैंने इस फार्म पर अभी परचेज नहीं किया है और दूसरे फार्म पर परचेज़ कर ली थी, तो उसे परचेज करता हूँ। जो मैं SUV परचेज करने वाला हूँ वो है फॉर्चूनर। तो मैंने अपने दूसरे टोस्काना वाले फार्म पे तो परचेज कर लिया है जहाँ पे मैंशन है और काफ़ी बड़ा घर है, और यहाँ वाले फार्म पे अभी ये वाली गाड़ी मैंने ली नहीं है तो इसे ले लेता हूँ। और इसमें टायर्स तो ये स्टॉक वाले हैं, बाकी इसमें ऑफ रोडिंग वाले ये वाले टायर लगवा लेता हूँ, ये सही लग रहे हैं। और ये वाली डीजल में है तो बस इसको बाय कर लेता हूँ। तो ये आ चुकी है फॉर्चूनर, और इसे लेके चलता हूँ अपने माउंटेन वाले घर पे। और वो घर यहाँ से दिख भी रहा होगा, यहाँ से वो दिख रहा ऊपर की तरफ, वहाँ पे वहाँ माउंटेन के ऊपर है। और इसका रास्ता तो जो है यहाँ से साइड से ही है, यहाँ लेफ्ट वाला खेत जो है उसके साथ से ही अभी छोटा सा रास्ता गया है, बाद में इसे प्रॉपर रास्ता बना दूंगा मैं। अभी तो यहाँ से मुड़ना है और यहाँ से ये छोटे वाला रास्ता जाएगा ऊपर माउंटेन के वहाँ तक। तो ये रोड आ गया, और अब रोड के यहाँ से मुझे रास्ता बनाना है। अभी तो ये टेम्परेरी रास्ता है, यहाँ से कहीं से भी गाड़ी चली जाएगी ऊपर, ये तो बड़े इजीली चल निकल जाएगी यहाँ से। यहाँ से इधर से राइट ले लेता हूँ, बस यहाँ से पहुँच गया मैं ऊपर। आ गई ये वाली गाड़ी आराम से, और ये रहा अपना घर यहाँ पे, और इसके अंदर पार्किंग भी है। फिलहाल तो इस गाड़ी को यहाँ ही छोड़ता हूँ बाहर। यहाँ पे भी जो है अंदर काफ़ी सारी गाड़ियाँ देंगी, और मैं यहाँ पे प्रॉपर पार्किंग बना सकता हूँ, तो ये यहाँ पे काफ़ी सही जगह बन जाएगी। और यहाँ से हाइट तो थोड़ी ज़्यादा ही होगी है। ठीक है, अब जो है नेक्स्ट वीडियो में काओबांस को मैं यहाँ पे मूव करूँगा, सामने इस वाले खेत में सारे काओबांस आएंगे। और सामने जितनी माउंटेन वाली जगह ये मैंने परचेज़ कर ही लिया है, मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ नीचे जो है काओबान लगा दूंगा और यहाँ से रास्ता एक प्रॉपर बना के ले जाऊँगा। तो ये ऐसे रास्ता यहाँ से जो है घुमाते हुए नीचे उतारूँगा और वो काओबान से होते हुए नीचे रोड तक पहुँच जाएगा। तो अभी जो है काफ़ी सारे बड़े बड़े चेंजेस होने वाले हैं, और अब जो है अपना ये वाला फार्म बिल्कुल एकदम बढ़िया तरीके से बिल्कुल नई लुक के साथ बनने वाला है और माउंटेन के ऊपर बनने वाला है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।